गाइस तो वेलकम टू माय चैनल और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप बताने वाला हूँ कि मर्फो डिवाइस की जो नई ऑफिशियल अपडेट आई है कि मर्फो डिवाइस बंद हो जाएगा, तो कौन कौन सा डिवाइस बंद हो जाएगा और कौन चालू रहेगा, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं आज आपको। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे आके, आप ये एक हफ्ता सॉरी 3 से 4 दिन पहले का ये अपडेट है। तो मैं आपको पढ़ के बता दूं, नोटेड योर रिमूव डिवाइस, क्लिक द ऑप्शन बिलो, डिवाइस सीरियल नंबर शोल्ड बी करेक्ट एंड केस एंड इनकरेक्ट डिटेल्स, पेड अमाउंट विल बी नॉट रिफंड। तो यहाँ कह रही है कंपनी की आपका रिचार्ज अमाउंट जो है तो आपका अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। और ये लिख रहा है नीचे लिख रही है कंपनी की, और सेंट टू द यूआईडी सर्किल नंबर इतना इतना H1HQ2047 डेट 20/6/2022 आरडी सर्विस फ्रॉम एमएसओ 1300E एंड एमएसओ 1300E2 कैटेगरी डिवाइस फ्रॉम आधार इनेबल सर्विस सेल बी कैसेट बियॉन्ड। तो आप देख सकते हैं ये बियॉन्ड मीन्स आगे होता है कि 31/12/2022 के आगे, उसके बाद मतलब ये काम नहीं करेगा इस डेट से। नोटिफाई द यूआईडी फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा यूआईडी हमेशा टाइम टू टाइम, ये बता रही है कंपनी। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपका मेनली आप देख ले कि आपका कौन सा डिवाइस है। इसमें दो तरह के डिवाइस बंद हुई है, एक तो है मर्फो E2 बंद हुआ है, मर्फो E2 ये वाला जो हो गया, और आपका है मर्फो एक पहले सीधा E जो आता था जो सबसे नया था मर्फो E, और मर्फो E3 जो है वो अभी चालू रहेगा, वो भी शायद नेक्स्ट 2024 तक बंद कर देगी कंपनी, क्योंकि E4 लॉन्च करने वाली है, इसीलिए पुराने डिवाइसों को बंद कर दी गई है कंपनी की तरफ से। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बंद कर दिया जाता है, इसीलिए अब फिलहाल तो E2 और E1 बंद किया गया है। E3 का सर्विस अभी चालू है, तो जिन लोगों का E3 है वो टेंशन ना लें और मज़े में यूज़ करें। और इसी तरह की कंटेंट मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। गाइस ये आप ध्यान से देख लेंगे तो पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ क्या है। ये मैसेज आपको एक हफ्ता पहले ही फ्लैश हो चुका था, जो कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो मार्केट में घूमने लगे कि मेरा मर्फो डिवाइस काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये कंपनी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। होता क्या है कि पहले हम किसी चीज़ को एग्री नहीं करते, इन्फॉर्मेशन सही सही नहीं लेते हैं और उसके बारे में हम मार्केट में सर्च करने लगते हैं। लेकिन कंपनी कोई भी काम करने से पहले आपको इन्फॉर्म करती है, जब भी जाके वो आगे बंद करती है कंपनी। तो आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये कैसे आपका कौन सा डिवाइस काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जैसे कि आप जनरली लोगों के साथ ही दिक्कत क्या हो रहा है कि उसका डिवाइस बैंक ब्लॉक कर दे रही है, तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करेंगे तो आपका डिवाइस ब्लॉक नहीं होगा, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। ओके, गुड बाय।